नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस बनावाली में आपका स्वागत है। आज हम जो अपरदन चक्र जो हमने पिछले वीडियो के अंदर एक टॉपिक किया था उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन यानी अपरदन का सामान्य चक्र। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि डेविस ने अपरदन चक्र से रिलेटेड अपना सिद्धांत दिया था 1899 के। इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने बताया था कि अपरदन चक्र होता क्या है और उन्होंने क्या माना था, नदी, हिमनदी, वायु और जल, बहता हुआ जल जिसको मान सकते हैं, इनके बारे में इन्होंने बोला था कि ये क्या हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं इरोजन के। लेकिन इन्होंने जो मुख्य जोर दिया था, मुख्य बल दिया था, वो दिया था नदी के ऊपर और नदी के द्वारा अपरदित एक स्थलाकृति का इन्होंने जिक्र किया था। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी जो स्थलाकृति है उसके ऊपर जो इरोजन का जो साइकिल है वो तीन अवस्थाओं के अंदर कंप्लीट होता है। वो तीनों अवस्थाएं हैं जिसमें पहला इन्होंने दिया था यूथफुल स्टेज, दूसरी दी थी मैच्योर स्टेज और तीसरी दी थी ओल्ड स्टेज। पहली जो यूथफुल स्टेज है इसको हम बोलते हैं युवावस्था हिंदी के अंदर, दूसरा है मेच्योर स्टेज इसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, और जो तीसरा दे रखा है वो है ओल्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं वृद्धावस्था। अब डेविस ने क्या कल्पना की थी, सबसे पहले डेविस ने क्या बात बोली थी कि शुरू के अंदर क्या होता है, एक जो समुद्री भाग है उसके अंदर उत्थान शुरू होता है। जैसे ही उत्थान होता है, उत्थान बहुत तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से उत्थान होता है और थोड़े ही टाइम के अंदर उत्थान का कार्य क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही उत्थान का कार्य कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, यानी जैसे ही उत्थान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर अपरदन का कार्य शुरू होगा। अपरदन का कार्य जैसे ही शुरू होगा वो कार्य तीन स्टेजेस के अंदर पूरा होगा जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहली युवावस्था होगी, दूसरी प्रौढ़ावस्था और तीसरी वृद्धावस्था। अब तीनों को हम बार बार डिस्कस करेंगे। पहला जो दे रखा है इसने युवावस्था, शुरू के अंदर इन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोई भी स्थलीय भाग ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठने के बाद उसका उत्थान जैसे ही कंप्लीट होगा फिर क्या होगा, उसके ऊपर अपरदन चक्र शुरू होगा, अपरदन का कार्य शुरू होगा। पहले स्टेज के अंदर क्या होगा, पहले स्टेज के अंदर क्या होगा, शीर्ष अपरदन ज्यादा होगा, यानी क्या होगा, जैसे मान लो ये पहाड़ी है इसका उत्थान शुरू हो गया, इसके अंदर जैसे ही अपरदन का कार्य शुरू होगा छोटी छोटी सरिताएं हैं वो निकलना शुरू कर देगी, और ये सरिताएं क्या करेगी, शीर्ष अपरदन के द्वारा अपनी घाटी को गहरा करने का कार्य करेगी। घाटी को क्या करेगी, ये गहरा करेगी, यानी पहले स्टेज के अंदर क्या होगा, शीर्ष अपरदन ज्यादा होगा जिसके अंदर छोटी छोटी जो सरिताएं हैं वो किसी पर्वत की चोटी से निकलना शुरू कर देगी, लेकिन करेगी क्या, सिर्फ अपरदन ज्यादा करेगी जिससे उनकी घाटी क्या हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, जिसको डीपनिंग ऑफ द वैली बोला जाता है। जैसे ही घाटी गहरी होगी यहां क्या बनेगी, या तो वी शेप्ड वैली बनेगी, वियाकार की घाटी बनेगी, या क्या बनेगा, गार्ज का निर्माण होगा। कौन सी अवस्था के अंदर, पहली अवस्था के अंदर, लेकिन ये होगा कहां, ये होगा पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जहां से कोई नदी निकलती है, कोई सरिता निकलती है। दूसरी स्टेज जो इन्होंने दी थी मेच्योर स्टेज जिसको हमने नाम दिया प्रौढ़ावस्था, इस स्टेज के अंदर क्या होगा, ये नदी जो यहां सरिताओं के अंदर बटी हुई थी ये क्या कर लेती है, किसी मैदानी भाग के अंदर प्रवेश कर जाएगी, यानी दूसरे स्टेज के अंदर, पहली स्टेज के अंदर जो अपरदन का कार्य हो रहा था वो हो रहा था ऊंचे भागों के अंदर, लेकिन प्रौढ़ावस्था के अंदर नदी क्या करेगी, मैदानी भागों के अंदर प्रवेश कर जाएगी। जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश कर जाएगी, यहां उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी लेकिन यहां आके उसकी स्पीड इसके मुकाबले क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे स्पीड कम हो जाएगी, यहां सिर्फ क्या काम हो रहा था, इरोजन का काम हो रहा था, लेकिन यहां जैसे ही मैदानी भाग के अंदर पहुंचेगी यहां इरोजन के साथ साथ एक कार्य और शुरू हो जाएगा, निक्षेपण का, या जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन और इरोजन दोनों के कार्य होंगे कहां, मेच्योर स्टेज के अंदर,
और कौन से क्षेत्र के अंदर होंगे, मैदानी भाग के अंदर। अब यहां क्या होगा, यहां अपरदन हो रहा था शीर्ष अपरदन, लेकिन यहां शीर्ष अपरदन नहीं होगा, यहां क्या होगा पार्श्विक अपरदन होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, यहां क्या कर रही थी नदी, अपनी घाटी को गहरा कर रही थी, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, नदी अपने किनारों को काटना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड इसके मुकाबले कम हो जाएगी और वो साथ साथ में क्या करेगी, निक्षेपण का कार्य भी शुरू कर देगी। इस भाग के अंदर जो आकृतियां बनेगी उसके अंदर जो मुख्य है वो बनेगा बाढ़ का मैदान, गोखुर झील, जलोड पंख या जलोड शंकु, ये आकृतियां इस भाग के अंदर बनेगी। लेकिन बनेगी कब, जब नदी क्या है पर्वतीय भाग को छोड़कर कौन से भाग में प्रवेश कर जाएगी, मैदानी भाग के अंदर। और कार्य भी दोनों होंगे, अपरदन का कार्य भी होगा और निक्षेपण का कार्य भी होगा। तीसरी जो स्टेज दे रखी है ओल्ड स्टेज या वृद्धावस्था। अब यहां हमने देखा कि पहले स्टेज के अंदर क्या हो रहा था, कौन सा कार्य हो रहा था, अपरदन का कार्य हो रहा था। दूसरे के अंदर क्या हो रहा था, अपरदन प्लस में क्या हो रहा है, निक्षेपण। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टेज के अंदर पहुंचेगी वहां अपरदन नहीं होगा, अपरदन का कार्य खत्म हो जाएगा, अपरदन नहीं होगा। लेकिन यहां सिर्फ एक ही काम होगा, कौन सा कार्य, निक्षेपण का। निक्षेपण का कार्य क्यों होगा, क्योंकि यहां हमने देखा कि नदी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहां आते आते नदी की स्पीड कम हो गई, और यहां आने के बाद जैसे वृद्धावस्था में पहुंचेगी नदी की स्पीड बिल्कुल ही कम हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो निक्षेपण का कार्य ज्यादा करेगी और जो नदी के अंदर जो भी निक्षेप है, जो भी उसके अंदर जलोढ़ की मात्रा है, उसको वो क्या कर देगी, निक्षेप करना शुरू कर देगी और नदी क्या कर लेगी, कई भागों के अंदर बंट जाएगी। जैसे ही कई भागों के अंदर बंट जाएगी, बंटेगी कहां, जहां नदी क्या करती है, किसी सागर महासागर के अंदर प्रवेश करती है, वहां गिरती है और वहां नदी क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर वृद्धावस्था के अंदर क्या होगा, अपरदन का कार्य नहीं होगा, लेकिन कार्य होगा किसका, निक्षेपण का। तो ये तीन स्टेजेस डेविस ने अपने अपरदन चक्र सिद्धांत के अंदर बताई है, जिसमें पहली स्टेज बताई थी युवावस्था, दूसरी प्रौढ़ावस्था और तीसरी बताई थी वृद्धावस्था। पहली अवस्था के अंदर अपरदन का कार्य होगा, दूसरी के अंदर अपरदन और निक्षेपण दोनों होंगे, लेकिन तीसरी के अंदर निक्षेपण का कार्य प्रमुख होगा, अपरदन का कार्य नहीं होगा। इसी के अंदर इन्होंने क्या बताया था कि जो नदी है उसका जो अपरदन कार्य कंप्लीट होता है, किसी भी स्थलाकृति का जो अपरदन चक्कर है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां क्या होता है, अब यहां आपको मैंने बताया था कि नदी क्या करती है, इस चीज को, इस क्षेत्र को, ये ऊंचा भाग है, इसको क्या करती है, अपरदित करती है। अपरदित करने के बाद जैसे ये मैदान समतल बन जाता है, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्षेत्र समतल हो जाता है, इसको एक नाम दिया गया था डेविस मोदे के द्वारा, जिसको नाम दिया गया था पेनिप्लेन। यानी पेनिप्लेन कौन सी आकृति होगी, जब किसी स्थलाकृति का क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है, उसके बाद जो समतल मैदान बन जाता है, उस आकृति को डेविस मोदे ने नाम दिया था कौन सा, पेनिप्लेन का। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है मोनाड नाव, ये कौन सी आकृति। अब देखो यहां क्या होगा, जैसे अपरदन का कार्य होगा, कुछ एक ऐसी चट्टाने होंगी जिनको नदी या कोई दूसरा फैक्टर वो उनको काट नहीं पाएगा, और वो ऊंचे उठे भाग यानी जो रह जाएंगे, पेनिप्लेन की जो आकृति बनेगी उसके अंदर भी क्या होंगे, कुछ एक ऐसे भाग बच जाएंगे जिनका अपरदन नदी नहीं कर पाएगी, उन अवशिष्ट भागों को क्या नाम दिया गया है, मोनाडना का नाम दिया गया है। यानी मोनाडना क्या होगी, एक ऐसी आकृति होगी जो अपरदन होने के बाद शेष बच जाएगी, जो टीले शेष बच जाएंगे उनको एक नाम दिया गया है मोनाडना का। तो ये था आपका डेविस का सामान्य अपरदन चक्र का सिद्धांत, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि नदी किन अवस्थाओं के अंदर अपना कार्य वो कंप्लीट करती है।